हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर आप बहुत कम अमाउंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि जितने पैसे हमारे पास होते हैं सिर्फ उतने की ही हम क्रिप्टो करेंसी बाय कर पाते हैं। सपोज आपके पास $10 है तो आप $10 की ही क्रिप्टो बाय कर सकते हो, और अगर उस क्रिप्टो का प्राइस बढ़ता है 2-4% तो आपको सिर्फ उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन गाइस, फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपके पास $10 है तो आप $1000 तक की पोजिशन ले सकते हो, और इस कंडीशन में अगर आपका 2% का प्रॉफिट होता है तब भी वो 200% के बराबर होगा। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में आप दोनों कंडीशंस में पैसे कमा सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसे कमा सकते हो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी से बहुत कम टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बेसिकली जितने भी इंडियन एक्सचेंज है लाइक वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, यहां पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप ये एक्सचेंज यूज करते हो तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। इसके लिए गाइस आपको ग्लोबल एक्सचेंज यूज करने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाइनांस एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक अपना बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना बाइनांस का अकाउंट ओपन कर लेना। बाइनांस आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि आपको अदर एक्सचेंजेस पर देखने को नहीं मिलेगी। बाइनांस ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आप समझ जाओगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम यहां पर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, और कैसे अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम पोजीशन लेके अपने पैसे कमा सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो कैसे हम यहां पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी है बट एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अदरवाइज कोई भी स्टेप अगर मिस करोगे तो हो सकता है आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग समझ में ही ना आए। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर सेकंड टाइम में जब देखना तो आप मोबाइल लेकर साथ में प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए ले चलता हूं मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूं फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ओके, सो अभी गाइस मैं आ चुका हूं अपने बाइनांस एप्लीकेशन पे। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपके फ्यूचर वॉलेट में पैसे होने चाहिए जिससे कि आप कॉइन्स को बाय या सेल करोगे। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आपको अपने स्पॉट वॉलेट में आना है, और आपको यहां से अपने फ्यूचर वॉलेट में USDT या फिर कोई अदर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर लेनी है जिससे कि फ्यूचर ट्रेडिंग पॉसिबल हो सके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप USDT ही ट्रांसफर करो, बिकॉज USDT बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम समझ पाते हैं कि हाँ $1 इसकी वैल्यू है और इससे कितनी क्रिप्टो हम बाय सेल कर रहे हैं, और USDT का ही यूज मैक्सिमम लोग करते हैं। तो आप USDT को सबसे पहले अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर कर लो। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरे पास $21 है मेरे स्पॉट वॉलेट में, इनको हम फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर फ्रॉम माय स्पॉट वॉलेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, आपको 2 वाले पर क्लिक कर लेना है और यहां से USDT M फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आप जितने भी डॉलर्स अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हो उनका अमाउंट यहां पे एंटर करना है। तो मैं यहां पे $10 ट्रांसफर करने वाला हूं, तो मैं यहां पे 10 पे एंटर कर दूंगा, ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा। सो यहां पे गाइस आप देख सकते हो मेरे स्पॉट वॉलेट में सिर्फ $11 बचे हैं, मतलब हमारे $10 हमारे फ्यूचर वॉलेट में पहुंच चुके हैं। तो अब हम फ्यूचर वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहां पे गाइस आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में 15 USDT का बैलेंस अपडेट हो चुका है, $5 पास ऑलरेडी, तो उसी में ये $10 ऐड हो चुके हैं। सो ये गाइस हमारे फ्यूचर वॉलेट का इंटरफेस जहां पर आपको टोटल बैलेंस दिख जाएगा, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है तो उस पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारी चीजें यहां पे आप देख सकते हो। सो यार, सबसे पहले स्टेप में आपको स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में कुछ कॉइंस को डिपॉजिट करना होगा, हमने यहां पे USDT डिपॉजिट कर दिया है। अब गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बाइनांस ने एक अलग ही ऑप्शन दे रखा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, आपके फ्यूचर ट्रेडिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो अब हम इस इंटरफेस को एक एक स्टेप के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ऊपर USDT मार्जिन, कॉइन मार्जिन, ऑप्शन ट्रेडिंग, बैटल ट्रेडिंग, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया USDT मार्जिन मतलब USDT के थ्रू आप बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, आपका जो भी लेवरेज मिलेगा वो USDT में मिलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो USDT में ही होगा। इसके अलावा जो कॉइन मार्जिन है यहां पर आप बिटकॉइन, इथेरियम या और जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके थ्रू बाइंग सेलिंग करोगे, यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो उसी क्रिप्टो में होगा। मैं पर्सनली USDT का यूज करता हूं और मैक्सिमम लोग USDT से फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप USDT ही ट्रांसफर करना और उसी से ट्रेडिंग करना। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग और बैटल ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने USDT मार्जिन ट्रेडिंग पर। अब गाइस यहां पर आपको वो क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर नीचे जाएगा और उस हिसाब से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसको यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है आपके सामने आ जाएंगे,
जाएंगी। अब आप जिस भी क्रिप्टो को बाय या सेल करना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो। सो जैसे मुझे यहाँ पर कार्डानो में ट्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा ADA और ADA हमारे सामने आ चुका है। आपको ADA USDT वाला पेयर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज हमने ADA कॉइन सेलेक्ट कर लिया है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे गाइज हमें मार्जिन मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि कितनी लेवरेज आप चाहते हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जिन मोड क्या होता है। तो यहाँ पर गाइज आपको बेसिकली दो तरीके के मार्जिन मोड देखने को मिलते हैं, पहला है क्रॉस मार्जिन मोड और दूसरा है आइसोलेटेड मार्जिन मोड। जैसा कि आपको पता है फ्यूचर ट्रेडिंग में हम एक्सचेंज से पैसे बोरो करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मान लीजिए हमने $100 की कोई पोजीशन ली है जिसमें $10 हमारे हैं, $90 बाइनांस के हैं। तो जो भी हमने पोजीशन ली है अगर हमें उस पर लॉस हो रहा है तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है $10 का, बिकॉज $90 बाइनांस के हैं। और अगर हमारा लॉस $10 के ऊपर गया तो बाइनांस ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और हमारी जो भी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी और हमें $10 का लॉस हो जाएगा। सो आइसोलेटेड मार्जिन मोड सेलेक्ट करने का यही फायदा होता है कि जिस ट्रेड में आपने जितना पैसा लगाया सिर्फ आपका उतना ही मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट गाइस जो क्रॉस मार्जिन है इसमें हमारे लॉस बियर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए हमने $100 की कोई पोजीशन ली जिसमें $10 मेरे हैं, $90 बाइनांस के हैं और हमारे फ्यूचर वॉलेट में भी $20 पड़े हुए हैं, तो जो फ्यूचर वॉलेट का बैलेंस है और जो हमने ट्रेडिंग में लगाया है $10 वो दोनों ऐड हो जाएंगे और जो हमारे लॉस बियर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अब हमारी पोजीशन तब क्लोज होगी जब हमने जो ट्रेडिंग में पैसा लगाया है और जो हमारे वॉलेट में पैसा है दोनों के इक्वेलेंट लॉस होगा। मान लीजिए हमने पोजीशन में $10 लगा रखा है और हमारे फ्यूचर वॉलेट में $20 है, तो हमारी पोजीशन तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक कि हमें $30 का लॉस नहीं हो जाता। सो इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन मोड का यूज किया जाता है जिससे कि हमारा जितना भी लॉस होना है वो जितनी हमने पोजीशन ली है सिर्फ उतना ही हो, हमारे वॉलेट के पैसे ना जाएं। सो आई गेस आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आप सिंपल सा आइसोलेटेड मार्जिन मोड सेलेक्ट कर लेना और इसे कंफर्म कर देना, ये आपके लिए सेफ है और बेस्ट है। हम भी यही यूज करते हैं और मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहां पर लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास $10 हैं तो आप उसके कितने ज्यादा गुना पैसे बाइनांस से ले सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर हम यहां पर 15x का लेवरेज लेते हैं और हमारे पास $10 हैं तो हमें $150 तक की पोजीशन पे ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में आपके पास जितने भी पैसे हैं उससे कितने गुना पैसे आप एक्सचेंज से लेना चाहते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से अलग अलग लेवरेज प्रोवाइड करता है। ADA पर हमें सिर्फ 75x तक का लेवरेज मिल रहा है। कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जिस पर हमें 125x तक का लेवरेज मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी आप बहुत ज्यादा लेवरेज पे ट्रेडिंग ना करना। मान लीजिए आपके पास $10 है और आपने 100x की लेवरेज ले ली और $1000 की पोजीशन ले ली तो आपको बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम आप 10x तक का लेवरेज लो जिससे कि अगर आपकी ट्रेड सही से परफॉर्म नहीं करती है तो आपका ज्यादा लॉस ना हो, बिकॉज जितना ज्यादा लेवरेज आप लोगे उतनी ही ट्रेड रिस्की होती जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम 10x तक का लेवरेज आप यहां पे सेलेक्ट करना। तो मैं यहां पे 10x सेलेक्ट कर लेता हूं, कंफर्म करेंगे। सो यहाँ पर हमारे फ्यूचर वॉलेट में 14.98 USDT कॉइन्स थे, हमने 10x का लेवरेज लिया है तो हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई है ट्रेडिंग करने के लिए वो है 149 USDT। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बाय और सेल का। सो यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस में पैसे कमा सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लो प्राइस में बाय करके और हाई प्राइस पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम हाई प्राइस पे सेल करके और उसे बाद में बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, सो जो बाइंग की पोजीशन होती है जिसमें हम लो प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल करते हैं उसे हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और जो हम हाई प्राइस पे सेल करके लो प्राइस पे बाय करते हैं उसे हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो पहले हम लॉन्ग पोजीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट पोजीशन की। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो जो ADA कॉइन का प्राइस चल रहा है वो है $2.81। तो आप यहां पे प्राइस एंटर कर सकते हो जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है, या फिर आप यहां पर ऑर्डर टाइप में मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आपको अमाउंट एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जितने पर भी पोजीशन ओपन करोगे तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहां पर मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस आपको यहां पर अमाउंट एंटर करना है। आप चाहे तो USDT का अमाउंट एंटर कर लो कि इतने USDT के हमें ADA कॉइन चाहिए, या फिर आप ADA पे क्लिक करके ADA की वैल्यू एंटर कर सकते हो कि इतने कॉइन्स हमें चाहिए। तो आप यहां पर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो या फिर यहां पे आपको स्लाइडर मिल जाता है, इसकी हेल्प से आप जितने भी परसेंट USDT यूज करना चाहते हो इस ट्रेडिंग के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहां पर आपके फ्यूचर वॉलेट में जितना भी बैलेंस है अगर आप सारा का सारा यूज करना चाहते हो तो आप सीधा इसको 100% तक स्लाइड कर सकते हो। आपके पास जितना भी बैलेंस होगा लेवरेज के साथ उस पर आप बाइंग कर सकते हो या फिर आप इसको कम भी कर सकते हो। तो मुझे मान लो 50% ही यूज करने हैं तो मैं 50 पर सेलेक्ट करूंगा। सो 50% यूज करने पर सिर्फ हमारे 74.46 USDT कॉइंस यूज हो रहे हैं इस पोजीशन के लिए। तो अमाउंट एंटर करने के बाद गाइस हम बाय लॉन्ग वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसे कंफर्म बाय पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे गाइस हमने मार्केट प्राइस पे बाइंग करी है तो हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप अलग वैल्यू डालोगे तो आपका ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में दिखाएगा और जब आपकी वैल्यू मैच करेगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो हम पोजीशंस वाले ऑप्शन पे आएंगे। सो यहाँ पे गाइस आपको आपके ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर पीएनएल देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो मुझे $0.13 का प्रॉफिट अभी शो कर रहा है। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हमारे ऑर्डर का साइज 73.21 USDT है, साथ ही साथ मार्जिन भी दिया हुआ है 7.36। अब मार्जिन का मतलब यह है कि अगर इस ऑर्डर पे हमें $7.36 का लॉस होता है तो हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, बिकॉज इस ऑर्डर में $7.36 हमारे हैं और बाकी के बाइनांस के हैं। तो अगर हमारे डॉलर्स पूरे लॉस में चले जाते हैं तो बाइनांस अपना पैसा तुरंत निकाल लेगा और हमारी ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। बाकी गाइस यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस देखने को मिल रहा है, इस प्राइस पे हमने ये ऑर्डर प्लेस किया था। मार्केट प्राइस है जो भी अभी ADA कॉइन का प्राइस चल रहा है वो आपको मार्केट प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर है लिक्विडेशन प्राइस, अगर मार्केट का प्राइस हमारे लिक्विडेशन प्राइस के इक्वल हो जाता है तो हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, बिकॉज उस कंडीशन में हमें $7.36 का लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस आपको क्लोज पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो रियल टाइम में आपका चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तुरंत ही आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप प्रॉफिट लगाना चाहते हो तो वो भी यहां से कर सकते हो, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट सेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको पार्ट्स में सेलिंग करनी है, मतलब आप चाहते हो कि $2.9 का प्राइस जाए तो हमारे 50% कॉइन्स सेल हो जाएं, तो आप उसके लिए एक पोजीशन लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप 50% कॉइन्स को अलग प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो फिर से आप प्राइस एंटर करके कई सारे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। तो मैं तो इसका यूज नहीं करता हूं, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपली आपको यहां पर प्राइस एंटर करना है और जितने भी कॉइन्स आप सेल करना चाहते हो उसके परसेंटेज स्लाइडर से सेलेक्ट कर लेने, या फिर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो और ऑर्डर प्लेस करते जाना है, आप जितने चाहो उतने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा इजी भी है और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो यहां पर आप बड़े ही आराम से स्टॉप लॉस या फिर टारगेट प्राइस को एंटर कर सकते हो जिस पे भी आपको सेलिंग करनी है। सो सिंपली टेक प्रॉफिट में आपको वो अमाउंट एंटर कर देना है जिस पे कि आप सेलिंग करना चाहते हो। मतलब जैसे अभी मार्केट का प्राइस $2.81 है और हम चाहते हैं कि भाई जब ये $2.9 पे जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो सिंपल सा हम यहाँ पे $2.9 एंटर कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट का प्राइस $2.9 पे जाएगा हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी और हमें $2.33 USDT का प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस के लिए भी आप यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस एंटर कर सकते हो, जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस है $2.81 और हम चाहते हैं कि भाई अगर इसका प्राइस $2.7 होता है तो हमारा ऑटोमेटिक पोजीशन क्लोज हो जाए और हमारा लॉस बुक हो जाए, तो यहां पर हम 2.7 भी एंटर कर देंगे। तो अब अगर इसका प्राइस नीचे आता है और वो $2.7 तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और जो हमारा लॉस है $2.86 USDT का वो बुक हो जाएगा, इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा। तो मैं इस ऑर्डर को यहां पे प्लेस कर देता हूं, कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन ऑर्डर्स में ये दोनों ऑर्डर्स यहां पर हमारे प्लेस हो चुके हैं। आप देख सकते हो पहला ऑर्डर है टेक प्रॉफिट का, अगर 2.9 के बराबर हमारा मार्केट प्राइस होता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और अगर मार्केट का प्राइस $2.7 के इक्वेलेंट या फिर उससे नीचे जाता है तो ये वाला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा लॉस बुक हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डर हमारे प्लेस हो चुके हैं, जब भी ये वैल्यूज हिट होंगी तो हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर आप मार्केट में एक्टिव हो, आपको इंस्टेंटली अपनी पोजीशन क्लोज करनी है तो सिंपल सा आपको अपनी पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको क्लोज पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से आप क्लोज कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि पोजीशन कैसे क्लोज करते हैं। अभी मुझे $0.23 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसे आराम से क्लोज कर सकता हूं, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। तो मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा। सो एस्टिमेटेड पीएनएल आप देख सकते हो मुझे 0.25 USDT का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा, कंफर्म सेल पे क्लिक करूंगा तो हमारी ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं और हमारी जो पोजीशन थी वो भी क्लोज हो चुकी है। आप इस हिस्ट्री वाले बटन पे जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑर्डर हिस्ट्री में, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप जितनी भी करोगे वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो आसानी से। तो ये हो गए गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग की लॉन्ग पोजीशन, जिसमें कि हम लो प्राइस में कॉइन बाय करके हाई प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, जो कि है शॉर्ट सेलिंग, जिसमें कि हम हाई प्राइस पे कॉइन्स को सेल कर देते हैं और लो प्राइस पे बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार हम किसी कॉइन को तभी सेल कर सकते हैं जब वो हमारे पास हो, हमारे पास तो कोई कॉइन है ही नहीं तो हम उसको पहले सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए बाइनांस के पास 100 कॉइन्स हैं और उनकी वैल्यू उस टाइम पे 1000 रुपए है, तो आपने क्या किया कि बाइनांस के वो कॉइन्स 1000 रुपए में सेल कर दिए। अब आपको बाइनांस को वो 100 कॉइन्स वापस लौटाने हैं, तो मार्केट का प्राइस अगर बाद में डाउन होता है तो आप क्या करोगे कि 800 रुपए में वो कॉइन्स बाय करके बाइनांस को दे दोगे और इस प्रोसेस में जो 200 रुपए बच
बच रहे हैं वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है शॉर्ट सेलिंग का सिंपल सा फंडा। अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे ये करना होता है। तो पहले जैसे हम बाय कर रहे थे तो अब हम यहाँ पर सेल कर देंगे, तो सेल वाले बटन पे क्लिक करना है। और अगेन यहाँ पर आप अपना मार्जिन टाइप या फिर लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम मार्केट प्राइस में ही ADA कॉइन्स को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डाल देना है। फिर से यहाँ पर 50% अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ USDT का, देन सेल शॉर्ट पे हम क्लिक कर देंगे, कंफर्म करेंगे। ये हमारी एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमें प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। मतलब अगर मार्केट का प्राइस 2.81 डॉलर से बढ़के 3.07 डॉलर तक हो जाता है तो हमारा 7.58 डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गाइज आप स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपना स्टॉप प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जितने पर भी आपको वैल्यू सेट करनी है सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप रियल टाइम पोजीशन क्लोज करना चाहते हो तो सीधा आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करो, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहां पर कंफर्म बाय पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो गाइस ये था Binance का फ्यूचर ट्रेडिंग ट्यूटोरियल, जहां पर मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग की हेल्प से मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो तब भी आप कमा सकते हो, चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो तब भी आप यहां पर कमा सकते हो। और गाइस ये ट्यूटोरियल बनाते बनाते मेरा गला बैठ चुका है, तो यार इसके लिए इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा कैसे आप Binance पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। और गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर सकते हो। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लेवरेज के मामले में ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं दिखानी है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा लेवरेज ले लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है और हो सकता है फिर आप दोबारा फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ देखो ही ना। स्टार्टिंग में आप 10-20 डॉलर में डालो और कुछ दिन प्रैक्टिस करो, जब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए तब आप इसमें और अमाउंट डाल के ट्रेडिंग करना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंड कमेंट में बताओ यार ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, किस बात का वेट कर रहे हो। ऐसी बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।